सरकार द्वारा नेहरू शिक्षा समागम के आयोजन करे जाते, जेकर उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जयंती अवसर में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की उपस्थिति में करे गए। दो दिवसीय ये आयोजन में देश भर के शिक्षाविद मन शिक्षा के विकास पर अपन अनुभव के साझा करी। अपन उद्बोधन में सीएम भूपेश प्रदेश के शिक्षा स्तर बढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए बर 2030 तक बनाए गए योजना की जानकारी दी। भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं, जो अभी विमोचन भी हम लोगों ने किया, उसमें हमने निर्णय लिया है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के तर्ज पर बच्चों के गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्कूल संचालित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे स्कूल होना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के बच्चे, हम तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने बच्चों को ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी चुनौती केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हमारे बच्चे यहां से निकले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतिस्पर्धा हो वहां जाके वो तैयारी कर सके, वहां खड़ा हो सके और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित कर सके। दूसरी बात, 3 वर्ष से अधिक आयु के छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन करके उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ये 2030 तक के इसकी हम पूरा करेंगे। तीसरा, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य विधा में हुनर अर्जित कर सकें। तो दोनों सर्टिफिकेट उनके साथ, जैसे 12वीं पढ़े उसके बाद ITI 2 साल और करे, उससे अच्छा ये है कि जो उस लाइन में जाना चाहते हैं वो बच्चे 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी करें और साथ साथ ITI भी, उसमें कुछ निश्चित ट्रेड हमने सेलेक्ट किए हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो सके, तो वो भी शुरुआत हम लोगों ने की है। तो इस अवसर पर 2030 के विजन हमने आप सबके सामने रखे हैं।